नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख सकते हैं इस देश के जाने माने बांसुरी वादक अभय अगरे जी को और आप उनसे हम विधिवत बातचीत करेंगे उनके बांसुरी वादन के बारे में उनके गुरुओं के बारे में उनके संगीत सफर के बारे में लेकिन अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगा कि जब हम इस इंटरव्यू के समय के लिए बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने मुझे जो बताया वो आप सबके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है उन्होंने ये बताया कि वो इस वक्त जहाँ से जुड़े हैं इस इंटरव्यू के लिए वो एक रिमोट एरिया है और वहाँ पर वो अंडर प्रिविलेज बच्चों को संगीत सिखाने के लिए उसके बारे में जागरूक करने के लिए गए हुए हैं ये इतना खूबसूरत प्रयास है कि मुझे लगा कि इस इंटरव्यू की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए अभय जी ये कितना जरूरी है और कितना सेटिस्फैक्ट्री है आपके लिए एक कलाकार के तौर पर देखिए मैं अभी उम्र के उस पड़ाव पे हूँ जहाँ पे मुझे अः ये करने की प्रेरणा मिल रही है और ये करने में मैं अभी सक्षम भी अपने आप को मान रहा हूं कि मैं अपने जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान जो मैंने अर्जित किया हुआ है उसको अः ऐसे किसी लोगों के साथ में जिन लोगों को जिन लोगों के साथ में ये ज्ञान इतना सहज उपलब्ध नहीं है जितना कि शहरों में है तो मैं भी उत्तरकाशी में हूं और उत्तरकाशी के एक बहुत ही छोटे से विलेज में एक हमारे मित्र हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी जो इस स्कूल को प्रारंभ किए हुए हैं यहाँ पे और ये तो इलाका ही बड़ा कठिन है और इस कठिन इलाकों में शिक्षा का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो मैंने कहा अगर मेरा कुछ योगदान अगर इसके अंदर हो सकता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है इस सिलसिले में मैं यहां आया अभय जी दरअसल हमारी जो संस्था है जो पिछले सात आठ साल से संगीत की दिशा में आ, काम कर रही है हम खुद भी आ, बहुत सारे अंडर प्रिवलेज स्कूलों में जाते हैं और आ, सुनेंगे तभी तो सीखेंगे करके एक सीरीज चलाते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सौजन्य से हालांकि कोरोना के दौरान ये सीरीज हमारी अभी इस पर आ, रुकावट आ गई वरना हमारी भी हमारा भी प्रयास यही था कि हम शायद एक या दो क्लास में किसी बच्चे को कथक नहीं सिखा सकते एक या दो क्लास में किसी को शास्त्रीय संगीत नहीं सिखा सकते लेकिन कम से कम उनको बता सकते हैं कि ये क्या कला है ये आर्ट फॉर्म क्या है इस फॉर्म के बड़े कलाकार कौन से हैं तो इसीलिए मुझे लगा कि आपसे बातचीत का जो सिलसिला है वो यहीं से शुरू करना चाहिए अब आते हैं अभय जी अभी तो आपने कहा कि अब आप उस उम्र के उस पड़ाव पर हैं लेकिन चलिए जरा थोड़ा आपको पीछे लिए चलते हैं और फॉरवर्ड और और रिवाइंड रिवाइंड के बटन में, के बटन में दबाते हैं जरा बताइए कैसे शुरू हुआ था आपका सीखने का सिलसिला मेरा सीखने का सिलसिला यूं शुरू हुआ कि संगीत के जो संस्कार थे वो आ, घर से मतलब माताजी से मुझे प्राप्त हुए और घर पे जब मैंने समझना शुरू किया जब ये समझ में आया कि अच्छा क्या है और क्या मुझे अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता तो जब इस पड़ाव पे आया तब मुझे मैंने पाया अपने आप को संगीत से घिरा हुआ संगीत से घिरा हुआ इन द सेंस कि मैं कोई किसी संगीत घराने से नहीं हूं पर संगीत के प्रेमी लोगों के बीच में मेरा जन्म हुआ है और मेरे बड़े भाई साहब जो मुझसे लगभग लग दस साल बड़े हैं वो तो इंजीनियर हैं और उन्होंने बांसुरी का शायद उनको कहीं शौक लगा था तो मैंने जब देखा कि वो बजा रहे हैं तो उनकी एक बहुत बड़ी फ्लूट मैंने बजाने की कोशिश की थी <laughs> और चूंकि मैं छोटा था दस साल का फ़र्क पहले ज़माने में तो होता ही था ये दस साल का फर्क था तो बाद में चूंकि उनकी बांसुरी को हाथ लगाया था तो उसके बाद जो होना था वो मेरे साथ हुआ <laughs> पर कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि मैं बहुत ज्यादा इसको पसंद करता हूं। तो फिर वही मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन और मुझे इनकरेजमेंट करने वाले और पूरे समय मतलब वर्तमान तक वो तो फिर मुझे पूरी तरीके से ये सोचा कि उन्होंने तो ये ये कहा कि भाई हम लोग तो इंजीनियर बन गए हैं चूंकि इंजीनियर डॉक्टर्स बनने का एक उस समय और कोई कुछ चीज होती नहीं शिक्षा के लिए पर आपको जो करना है वो करो यदि तुम कर सकते हो तो बिल्कुल करो धीरे क्योंकि ये स्थिति एकदम नहीं है निश्चित रूप से शिक्षा के साथ में ये सब चलता रहा फिर एक समय ऐसा आया जब मुझे ये निर्णय करना था कि क्या करना है मुझे तो उन्होंने इस बात को एक धक्का सा दिया मतलब एक पुश किया कि हाँ इफ यू वॉन्ट टू डू इट यू कैन डू इट तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा संबल रहा और एक बहुत बड़ा टर्निंग uh, पॉइंट रहा और ये एनकरेजमेंट उनकी तरफ से मिलता रहा तो फिर मैंने इसको सीखना शुरू किया और एक समय ऐसा आया कि फिर मैंने इसको एज ए प्रोफेशन ले ली मतलब बड़े भाई की बांसुरी बिना इजाजत लिए लेने पर या छूने पर या बजाने पर जो कान खिंचाई हुई उसने और कुछ किया नहीं किया कम से कम एक अच्छा कलाकार इस देश को दिया एक, जी, एक सकारात्मक आ, उसका जो रिजल्ट रहा वो यही रहा अब अभय जी ये बताइए कि आपने बहुत अच्छी बात कही और अगला प्रश्न मेरा वहीं से आ रहा है आपने कहा कि कोई ऐसा घराना नहीं है अब क्या होता है कि हम आप इस बात से बहुत आ, मेरे ख्याल से सहमत होंगे कि एक घरानेदार परंपरा में क्या होता है कि बच्चा आ, पैदा हुआ पैदा होने के बाद वो तीन साल का है चार साल का है वो उसी माहौल में है एक तरफ तबला बज रहा है या एक तरफ नृत्य हो रहा है या बांसुरी बज रही है या कोई रियाज कर रहा है और एक उन परिवारों के बच्चे हैं जिनके में ये संगीत परंपरागत तरीके से नहीं है वहां कानसेन है वहां तानसेन नहीं है जी, जी, कानसेन के, के परिवार में जन्म लिए बच्चे के लिए गुरु को खोजना और गुरु को ये समझा पाना कि मैं भी बहुत सिंसियर हूं मैं भी बहुत सीरियसली सीखूंगा ये कितना मुश्किल काम होता है ये, ये सच में बहुत मुश्किल है मुश्किल होता था उस समय तक जब तक मैंने इसको प्रोफेशन लिया और गुरु ढूंढना शुरू किया और सीखने की संभावनाएं ढूंढने की कोशिश की ये निश्चित रूप से तब भी मुश्किल था और आज भी थोड़ा सहज हो गया है क्योंकि स्थितियां सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बदलती रहती हैं सारा टेक्नोलॉजी अब इंट्रोड्यूस हो गई है बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है और बहुत अच्छा सीखने को भी मिल रहा है मैं टेक्नोलॉजी के बिल्कुल फेवर में हूँ और आ, मुझे तो लगता है कि जिन चीजों को सुनने के लिए हम बहुत ज्यादा प्रयास करते थे वो चीजें आज आप, आपके क्लिक पे एक क्लिक के ऊपर हाजिर हैं आपके सामने ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग जो हमने अपने उस समय में नहीं सुने जिस समय में सुनने की आवश्यकता थी पर अब सुनने को मिल रहे हैं तो बहरहाल प्रश्न गुरु का है कि ये सच में एक कठिन क्रिया है वो कठिन क्रिया सिर्फ इस वजह से है कि अभी भी आ, संगीत को संस्थागत रूप से आ, बहुत मान्यता नहीं है मान्यता नहीं उसके भी कई कारण हो सकते हैं वो एक हम बिल्कुल अलग तरीके से इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि मान्यता क्यों नहीं क्यों कारण है गुरु शिष्य परंपरा भी आवश्यक है शैक्षणिक संस्थाओं में भी इसका इंट्रोड्यूस होना आवश्यक है पर मुझे लगता है एक प्रकार से संगीत में संगीत का समाज में जागरण होना बहुत जरूरी है जरूरी है मतलब हो रहा है ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ। हर एक स्तर पर हो रहा है पर शिक्षण के स्तर के ऊपर इसका अभी भी प्रयास और ज्यादा किया जाना चाहिए और इसको संस्थागत रूप से भी स्थापित किया जाना चाहिए साथ में गुरु शिष्य परंपरा तो मुझे ऐसा लगता है हम सिर्फ संगीत में गुरु शिष्य परंपरा ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानता हूं सभी में गुरु शिष्य परंपरा देखिए आप अगर पीएचडी भी करते हैं तो पांच साल किसी के अंडर में पीएचडी करते हैं ना तो वो तो गुरु शिष्य परंपरा हुई ना मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं ऐसा बहुत ज्यादा कहा जाता है कि सिर्फ संगीत में गुरु शिष्य परंपरा होती है पर मुझे लगता है कि हर अच्छी अच्छे काम को सीखने के लिए उस स्तर स्तर पे पे जिस तर्पे हमें जाना है उस स्तर पे सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है और वो वो कोई पारंपरिक रूप से जो हम जो हम गुरु शिष्य का एक बनाया हुआ है होना आवश्यक नहीं है। शिक्षा शैक्षणिक स्तर मतलब संस्थागत शिक्षण करके भी आप गुरु शिष्य परंपरा में जा सकते हैं ऐसे कई उदाहरण हमारे यहाँ है मुझे उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है अब ये संगीत का जो शिक्षा का स्तर जो बढ़ा है आज या जो आ, संस्थागत इसके अंदर प्रचार प्रसार हुआ है वो भातखंडे तो जी के जमाने और हो सकता है अगर आप ट्रेस करें तो उससे पहले भी हुआ है ऐसी बात नहीं है पर भातखंडे जी के बाद में तो बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ है और मैं मानता हूं कि आ, संस्थागत शिक्षण भी इस में उपयोगी हो सकता है बिल्कुल संभवतः वो गुरु शिष्य परंपरा उस लिहाज से कही जाती होगी जब अलाउद्दीन खान साहब के बारे में कहते हैं कि उनके घर पे जाकर लोग रहते थे और वहीं पर आ, जी, सीखते जी, भी जी, थे जी, तो वो जी, फिर भी लॉजिकल लगता जी, है जी, लेकिन मैं आपकी बात से सौ फीसदी सहमत हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा का मतलब या आशय या संपर्क या संबंध सिर्फ संगीत से नहीं है अगर रमाकांत आचरेकर नहीं होते तो सचिन तेंदुलकर भी नहीं होते वहां भी गुरु शिष्य बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने ये बात बिल्कुल और मैं मैं चूंकि स्पोर्ट्स का जर्नलिस्ट हूं तो इसलिए मेरे उदाहरण अक्सर जीवन में या तो संगीत से आते हैं या फिर क्रिकेट से आते हैं तो इसलिए उदाहरण आया अच्छा अब अभय जी हम आते हैं उस अभी गुरु शिष्य परंपरा पर ही बातचीत चल भी रही है तो हम हमेशा इस इंटरव्यू सीरीज में अपने कलाकार से गुजारिश करते हैं कि वो अपने गुरुओं के बारे में भी बताएं उनसे भी हमें परिचय कराएं और इसी बहाने कुछ और कलाकारों को समझने की जानने की एक खिड़की खुलती है तो आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि आप भी हमें जब सिलसिलेवार तरीके से सीखने की शुरुआत हुई जिन गुरुओं ने आपको गढ़ा उनके बारे में बताइए शुरुआत मेरी हुई है इनफेक्ट तबला सीखने से आ, तो मैंने बहुत ही छोटी सी जगह है मध्य प्रदेश में रतलाम जो एक आ, आ, काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन भी है तो वहां पे आ, हम रहा करते थे तो वहां पे एक संगीत स्कूल था उस संगीत स्कूल में, में मेरा शिक्षण शुरुआत हुआ प्रारंभ हुआ तबले से और धीरे धीरे जैसा कि मैंने कहा कि फिर मैंने बांसुरी की तरफ भी रुझान दिखाया फिर बांसुरी की तरफ पढ़ा और फिर भोपाल में श्री रविंद्र गरुड़ जी थे जो आकाशवाणी के ही कलाकार थे उनके पास आ, मुझे सीखने का मौका मिला और मेरी एक मौसी हुआ करती थी है मतलब वो भी। तो जो मुझे उनके पास में लेके गई कि हाँ ये बहुत अच्छे कलाकार हैं तो उनसे तुम सीख सकते हो तो वो मुझे खुद बिल्कुल जैसे उंगली पकड़ के ले जाना कहते हैं वो लेके गए कि चलिए आप रविंद्र गरुड़ जी के पास चलिए तो गुरु जी ने मुझे बहुत ही अच्छे से स्वीकार किया और फिर मेरा का शिक्षण शुरू हुआ उससे पहले मैं जो भी करता था वो अपने मन से जैसा भी चूंकि वो जैसे शुरुआत होती है कि भाई कोशिश तो आप कुछ भी सीखने की कर सकते हैं ना बांसुरी ही क्या तो वैसे ही मैंने बांसुरी सीखने की कोशिश की तब तक मैं और बड़े भैया से थोड़ा सा सीखना किसी से कुछ सुन लेना तो वो बजाने की कोशिश करना एक बात जरूर थी कि मेरे में एक जिसे कहते हैं हर एक इंसान में एक इंस्टिंक्ट होता है और वो म्यूजिकल इंस्टिंक्ट मेरे में था ये मैं स्वीकार करता हूं तो वो होने की वजह से फिर मैं उनके पास सीखना शुरू किया और फिर उनसे काफी सालों सीखता रहा और उसके बाद फिर मैं रघुनाथ सेठ साहब जो भारत के फिल्म इंडस्ट्रीज में काफी जाने माना नाम रहे हैं बॉम्बे में रहे हैं उनके पास मैं सीखने के लिए गया उन्होंने भी मुझे सिखाना स्वीकार किया ये मेरा सौभाग्य रहा हुआ है और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे मैं ये क्लेम तो नहीं कर सकता कि गुरु शिष्य परंपरा में मैंने उनसे सीखा है पर उसके बावजूद वो वो भी शायद प्रोग्रेसिव किस्म के इंसान थे तो उन्होंने कभी इस बात का इस बात कभी जोर भी नहीं दिया कि गंडा बंधवाना चाहिए या फिर और जब मैं कह रहा हूँ तो मैं गंडा बंधाना बंधवाने के विरोध में हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पर उन्होंने कहा कि जिस भी स्थिति में मैं, मैं सिखा, सीख सकता हूं और वो सिखा मुझे सिखा सकते हैं तो उन्होंने मुझे सिखाना स्वीकार किया और इस तरीके का बात चल पड़ी तो उसके बाद फिर मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहा बहुत सारे संगीतज्ञ के लोग संगीतज्ञ लोगों के संपर्क में रहा जैसे मैं उसके बाद फिर दिल्ली गया दिल्ली में मैंने अपना करियर शुरू किया और फिर मधु मधुगल जी के सानिध्य में रहा कुमार जी की बहुत सीनियर शागिद हैं मीरा राव जी के उनके साथ में रहा तो कुल मिला के फिर तो जो है टेक्निक सीखने के बाद फिर आपको अपना संगीत एनहेंस करना होता है संगीत समृद्ध करना होता है तो वो संगीत समृद्ध करने के अम्म जो है उस स्थिति में मैंने बहुत अपने आप को बहुत सुना लोगों को फिर मुझे ये समझ में आया कि बहुत जब तक आप जैसे किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत पढ़ना आवश्यक तो होता है उसी तरह संगीत को समझने के लिए बहुत सुनना आवश्यक होता है ये बहुत आवश्यक है एक और उदाहरण फिर दे देता हूं क्रिकेट से इमरान खान कहते हैं कि अगर आपको मैच में अच्छे से 10 ओवर फेंकने हैं तो नेट्स में कम से कम 20 ओवर 30 ओवर फेंकने की प्रैक्टिस होनी चाहिए तो एग्जेक्टली exactly, मतलब अगर आपको एक घंटा अगर स्टेज पे बजाना है तो कम से कम आपको दो घंटे घर पे मैं मिनिमम बता रहा हूँ वैसे तो चार घंटे होना चाहिए चार घंटे जब बजाने का बैठने का रियाज हो तो आप एक घंटा अपने पूरे के पूरे एफर्ट्स के साथ वहां बजाने की संभावना हो सकती है अभय जी के साथ इस बातचीत में यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं कल रात ठीक दस बजे एक बार जुड़िएगा हमारे साथ और देखिएगा इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा